हेलो एवरीवन, स्वागतम सुस्वागतम सिलेक्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सो फिर से हम आ जाए अपनी कार में बैठ के कार सीरीज को डिस्कस करने, जहां पे हम फाइव मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है? ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ऑनलाइन आने के बाद सभी का यही हाल है। क्या है? प्रोफेसर इन ऑनलाइन क्लास आफ्टर एवरी 5 मिनट। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो तो ये होता है ना ऑनलाइन में, और जब हम किसी को फोन पे बात कर रहे होते हैं स्पेशल वंस के साथ भी, तो कॉल आवाज नहीं आ रही होती है ना, प्रॉब्लम आती है ना। तो इसीलिए एक ITU नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका एम क्या है? जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं, जितनी ज्यादा हो सके गवर्नमेंट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का क्या मतलब है? कॉल फैसिलिटीज, इंटरनेट फैसिलिटीज, ये सभी तरह की फैसिलिटीज, जैसे कि इंडिया में जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब कंपनी जो कंपनीज हैं वो, और गवर्नमेंट, इन सभी का एक ग्रुप है ITU। दोनों के बीच में ये एक कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को इंप्रूव किया जा सके, जो कॉल फैसिलिटीज है, जो इंटरनेट फैसिलिटीज है, इनको इंप्रूव किया जा सके, इनकी अफोर्डेबिलिटी की जा सके, ताकि ये सभी को एक्सेसिबल हो। अगर अफोर्डेबिलिटी है, अगर इंटरनेट और कॉल के प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो इट इज अफोर्डेबल टू इवन द पुअरेस्ट सेक्शंस। जियो के आने से पहले क्या होता था? 250 रुपीज का 1 GB इंटरनेट मिलता था, अभी 729 में 3 महीने के लिए अनलिमिटेड मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये डिफरेंस था ना। तो अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एम है कि अफोर्डेबिलिटी हो। अगर अफोर्डेबिलिटी होगी, अगर प्राइसेस कम होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाएंगे, और इवन पुअरेस्ट सेक्शन के पास भी इंटरनेट और कॉल जैसी फैसिलिटीज होगी, जो प्रेजेंटली इंडिया में काफी हद तक इंप्रूव है। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा, इसकी जो रिलायबिलिटी है उसको इंप्रूव करना। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? इस तरह के इंसिडेंट सुनाओ, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, तो रिलायबिलिटी इंक्रीज हो। तो ITU एक ग्रुप है जो 1800s में बना था, 1875 में। यहाँ पे डिटेल्स हम देख लेंगे। ITU एक इंटरनेशनल लेवल पे ग्रुपिंग है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की, ताकि टेलीकम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज है उसको इंप्रूव किया जा सके। गेटिंग माई पॉइंट? गवर्नमेंट, 193 गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं इसमें, और बाकी की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इसकी मेंबर है। अब हम इसके फैक्चुअल बेसिस पे आते हैं। ITU वो सेटअप इन 1865, आई एम सॉरी मैंने 1875 कहा था, 1865 में सेटअप हुआ था ये, एंड इट्स हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। इस बात का ध्यान रखना, ये ऑर्गन नहीं है यूएन का, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, और यूएन 1945 में बना था। यूएन के बनने से पहले ही ये ऑर्गेनाइजेशन थी, 1865 में बन चुके हैं। इट्स अ प्री यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। गेटिंग माई पॉइंट? इट्स एम इज टू हैव अफोर्डेबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सर्विसेज सभी के पास होनी चाहिए, ये इसका एम है। 193 गवर्नमेंट कंट्रीज, 193 गवर्नमेंट इसके मेंबर है, और 800 प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज इसका पार्टनर है। नाउ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन, ये इसके अंदर स्पेसिफिक डिटेल है कि 17 मई को ये लोग एक अपना कैंपेन चलाते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के बारे में, और वगैरह वगैरह। इसमें कुछ खास नहीं है। इसके मेंबर्स को फंड कौन, इसको फंड कौन करता है? इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो ही इसको फंड करती है। इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द की इनिशिएटिव ITU ने कनेक्ट 2033 एजेंडा इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका एम है कि सभी के पास, एवरी वन इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, 2030 तक सभी के पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए पूरी दुनिया में। यानी कि जो हम डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं, उस डिजिटल डिवाइड को खत्म करना ये एक एम है। उस एम के अंदर इन्होंने ये एजेंडा लॉन्च किया है, कनेक्ट 2030 एजेंडा। दिस इज ऑल द डिटेल्स अबाउट ITU। गेटिंग माई पॉइंट? विद दिस लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर टू, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये क्या है? ये सीन ध्यान होगा, बिग बॉस देखते हो ना? देखते हो या देखा तो होगा यार ना, ये मीम तो जरूर देखा होगा। मैं क्या करूँ ये है ना इसका मीम। तो द थिंग इज, कोविड पेंडेमिक के टाइम पे 2020 में जो पुअर सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च किया था। उसी एक कड़ी में इन्होंने पीएम स्वनिधि स्कीम को भी लॉन्च किया था। पीएम स्वनिधि स्कीम्स के अंडर जो स्ट्रीट वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स कौन से होते हैं? जो अर्बन एरियाज में, जो जैसे आप रेडियां देखते हो, वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं, जो ठेले पे वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, या स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे, ये में स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे यहाँ पे कुछ बैठ के कुछ ना कुछ सेल करने हैं, जैसे कि वाटरमेलन सेल करने वाले आपको दिख जाते हैं, या कोई शू सेल करने वाले होते हैं, सॉक्स, हेलमेट, इन सबको सेल करने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये जो सड़क पे अपना ठेला लगा के या टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन कैसे करें, कैसे कैसा ऐसा किया जाए कि उनकी जो नीड्स हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो सके, उनको कोविड पेंडेमिक में प्रॉब्लम ना है। बिकॉज कोविड पेंडेमिक के दौरान मोबिलिटी बिल्कुल कम हो गई थी, कोई भी मूव नहीं कर सकता था। तो जब मूव नहीं कर सकता कोई, तो स्ट्रीट वेंडर्स का सामान कैसे बिकेगा, कैसे इनको हेल्प मिलेगी?
तो इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पीएम स्वनिधि स्कीम। इस पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको 10,000 रुपीज का एक लोन मिलेगा, कोलेटरल फ्री लोन। यानी कि आपको कुछ भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपीज का आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा, जिससे कि आप एक बार अपना जो कहते हैं गुजारा या जो भी कहते हैं सबसिस्टेंस, जिससे कि आप एक बार अपना सबसिस्टेंस कर सकें। और जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि आपको स्ट्रीट पे बेचने के लिए जो आपको सामान चाहिए वो आप खरीद सके, अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक बार पूरा कर सके, गवर्नमेंट 10,000 रुपीज का वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करेगी, जो कि कोलेटरल फ्री होगा, जिसके लिए कोई भी लोन नहीं वो कोलेटरल आपको नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अब इसको रीपे करना है, तो अगर आप टाइम पे रीपे करते हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू रीपे करते हो, तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा, यानी इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी, आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। तो स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए ये पीएम स्वनिधि स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, और इसके अंदर 10,000 रुपीज का वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कर रहे थे। अभी इसको एक्सटेंड किया गया है और अप टू 50,000 रुपीज तक का लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट पीएम स्वनिधि स्कीम। तो इससे स्ट्रीट वेंडर्स को काफी बेनिफिट हुआ, उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी मिल गई, और उनके जो सबसिस्टेंस है पेंडेमिक के टाइम पे वो भी पूरा हुआ। और उसके बाद उनका भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही था, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, समझ गए? सो दिस वाज द थिंग। अब इसके बारे में हम डिटेल्स देख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड करना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किया था। 10,000 रुपीज तक का लोन है इसमें, ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ, क्लिक करो और आपको लोन मिल जाएगा। दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 3, स्पेस ब्रिक्स। स्पेस ब्रिक्स क्या है? इंडिया और ग्लोबली सभी कंट्रीज का एम है कि हम मून के ऊपर सेटलमेंट करें। जो मून है, मून के ऊपर सेटलमेंट एस्टैब्लिश करें, मून के ऊपर कुछ एस्टैब्लिशमेंट कर लें, ताकि हम वहां पे अपने स्पेस मिशन को लॉन्च कर सकें। अगर हमें सपोज कीजिए मार्स प्लेनेट को या वीनस प्लेनेट को हमें ऑब्जर्व करना है, या हमें उनके ऊपर कोई मिशन भेजने हैं, तो हम डायरेक्ट मून से ही भेज देंगे मिशन। मून पे हम अपनी ऑब्जर्वेटरीज बनाएं, मून पे हम टेम्पररी सेटलमेंट बना सकें, होटल बना सकें, रेस्टोरेंट बना सकें, ताकि टूरिज्म के लिए भी डेवलप किया जा सके। तो ग्लोबली एक एम है कि हमें मून पे जाके थोड़ा सा सेटलमेंट करना है। अब मून पे अगर सेटलमेंट करना है, सपोज कीजिए मून पे होटल बनाना है, तो क्या कहाँ से ब्रिक्स कहाँ से लोगे? अब होटल तो ब्रिक्स से बनेगा ना, इंटो से बनेगा, इंटे कहाँ से जाएगी? क्या आप अर्थ से इंटे लेके जाओगे? बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो उनका एम है कि जो मून के ऊपर सॉइल है, जो लूनार सॉइल है, जो मून की सॉइल है, उसी से हम इंटे बना सके, उसी से हम ब्रिक्स को डेवलप करें, ताकि मून के ऊपर होटल और बाकी के रिसर्च फैसिलिटीज वगैरह को डेवलप किया जा सके। तो जो मून के ऊपर, जो मून की सॉइल से, लूनार सॉइल के थ्रू जो ब्रिक्स डेवलप होती है, उसको स्पेस ब्रिक्स बोलते हैं। प्रेजेंटली इसरो और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने डेवलप किया है एक तरीका, जिसके थ्रू वो मार्स की सोइल से भी ब्रिक्स बना सके। तो अभी तो लूनर सोइल की बात चल रही थी, मार्स की सोइल से भी बनाने को तैयार बैठे हैं। तो इस तरह की अभी तक एक्चुअली ये जो स्पेस ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, अभी तक मतलब कि फुल फ्लेजेड रोल आउट नहीं हुआ है, अभी इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे हैं, ताकि ये स्पेस ब्रिक्स बनाया जा सके और मून के ऊपर हम एस्टेब्लिशमेंट कर सके, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी अलग अलग तरीके से हम डेवलप करें। सभी वर्ल्ड ओवर एजेंसीज, नासा वगैरह इसको डेवलप कर रहे हैं। ये देखिए इसकी कुछ पिक्चर्स हैं कि हमने इस तरह की ब्रिक्स बनाई है, तो वो देख रहे हैं अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ये कुछ इसका चल रहा है। ये स्पेस ब्रिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। विद दिस लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 4, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। अब इसमें यार कुछ ऐसा कुछ है नहीं मतलब कि एक्सप्लेन करने वाला। स्टेट एनर्जी यानी कि ग्लोबली एक एम है, जैसे इंडिया ने भी पंचामृत गोल को बताया था ग्लासगो समिट में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मूवमेंट चल रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज है उनका एमिशन कम करना है। जो हमारी एनर्जी सिस्टम है, जैसे कोल से हमारी एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है कोल के थ्रू थर्मल पावर प्रोडक्शन से होती है, तो उसी की वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन काफी होते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, और उन्होंने एक और इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, AEE के साथ मिलकर एक इंडेक्स को लॉन्च किया, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। उसका एम क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती है, जैसे कोल वगैरह है, इनको कम करना है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका इसका कंजम्पशन और प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। यानी कि हमें कोल से, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना है। कैसे करें? तो ये स्टेट को रैंकिंग प्रोवाइड करती है, कॉम्पिटिटिव और कोऑर्डिनेटिव फेडरलिज्म, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेन एम्स है, उसी के अंडर ये एक इंडेक्स है। स्टेट्स को हम रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे कि आप एनर्जी इंडेक्स में कहाँ पे हो, एनर्जी इंडेक्स में कहाँ पे हो, मतलब कि इस इंडेक्स में कहाँ पे हो, कितनी आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हो, कितनी कोल पावर एनर्जी यूज कर रहे हो, कितनी आपकी एनर्जी की एफिशियंसी है, उन कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे हम आपको रैंक करेंगे। तो इस रैंकिंग में ऊपर आने के लिए हर स्टेट के बीच में कॉम्पिटिशन होगा कि मेरी स्टेट ज्यादा बेटर है एनर्जी कंजम्पशन में, एनर्जी एफिशियंसी में, या मेरी स्टेट बेटर है। इसी तरह की एक एम के साथ इस इंडेक्स को लॉन्च किया है। नीति आयोग लॉन्च करता है, डेवलप कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन कोलैबोरेशन विद अलायंस एंड अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। एम क्या है? वही इन पैरामीटर्स पे रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह को प्रोड्यूस करना। मेन एम यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। उसको लेके इंडेक्स निकालते हैं कि स्टेट्स आपस में कंपीट करती रहे, ताकि कंपीट करते करते अपने यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल लेवल पे अचीव हो जाए। मेन एम यही है। गेटिंग माय पॉइंट?
दिस लेट्स मूव टू, इसमें है कुछ है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी है, बट आई डोंट थिंक सो कि इस पे इतना डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है. सो विद दिस लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 5, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म. जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होते हैं, लेट्स सी. मेरे पास है पिक्चर ये, द थिंग इज ये है सन और ये है हमारा प्यारा अर्थ. अब सन के थ्रू कुछ सोलर फ्लेयर्स यानी कि सन कुछ एनर्जी फ्लेयर्स को रिलीज करता है, बट ये जो फ्लेयर्स होते हैं ये काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, यानी कि अगर अर्थ इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आती है तो ये काफी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं. ये काफी पावरफुल एनर्जी होती है. सिंपल भाषा में समझो, ये जो सन है ये काफी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है जिसको सोलर फ्लेयर या सोलर विंड बोलते हैं. अब अगर अर्थ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में इसके आ जाता है तो इससे काफी नुकसान हो सकता है अर्थ के ऊपर, इतनी पावरफुल एनर्जी काफी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं. तो इससे हमें नेचुरली कौन बचाता है, अर्थ के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमें नेचुरली इससे प्रिजर्व करती है. जब सोलर फ्लेयर इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्ट्रॉय कर देती है. गेटिंग माय पॉइंट, इससे अर्थ पे ज्यादा कुछ इफेक्ट इसका नहीं पड़ पाता, बट ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है काफी वीक होती है, ज्यादा पावरफुल नहीं होती, इसीलिए जो सोलर मैग्नेटिक स्ट्रॉम है ये यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यहाँ से यूं एंटर हो जाता है. जो ओरियोलिस और बोरियोलिस आपने कुछ सुना होगा, जो नदन लाइट्स जिनको बोलते हैं, इसी की वजह से नदन इलाकों में नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में नदन लाइट्स फ्लैश लाइट्स आसमान में देखने को मिलती है, काफी कलरफुल लाइट्स. वो क्या होता है, सोलर फ्लेयर होता है, सोलर फ्लेयर जो अर्थ में एंटर हो गए हैं वो ही वो नदन लाइट्स के फॉर्म में काफी तेजी से ब्लिंक करते हैं, काफी अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं एटमोसफियर को, स्काई को. ठीक है, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम बोलते हैं. ये जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम होता है, ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं जो जियो को यानी अर्थ के ऊपर स्ट्रॉम्स आते हैं जो अर्थ को इफेक्ट कर सकती है, बट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है. ये जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम है, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे एंटर होती है, ओरियोलिस और बोरियोलिस इनको बोलते हैं, और इसी की वजह से नॉर्दर्न लाइट्स भी होती है. नाउ मेन थिंग, ये अर्थ की जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम ने, ये अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसने प्रोटेक्ट तो कर लिया, बट जहां जहां भी ये कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर गई, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे पेनिट्रेट कर गई और यहाँ पे मैग्नेटिज्म काफी स्ट्रॉन्ग नहीं था, यहाँ पेनिट्रेट कर गई, या लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे कुछ सैटेलाइट्स हैं या कुछ एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल कर रहे हैं या एस्ट्रोनॉट्स गए हुए हैं या कोई सैटेलाइट्स हैं, तो उनको ये नुकसान पहुंचा सकती है. एक ब्लैकआउट जैसे होता है ना कि सैटेलाइट खराब हो गया, वो सारी चीजें कर सकती है. ये काफी पावरफुल एनर्जी होती है यहाँ पे है. ठीक है, ये काफी पावरफुल एनर्जी होती है और वो डिस्ट्रॉय कर सकती है. इसको के इंडेक्स नाम का ग्लोबल मेजर है जो इस चीज को मेजर करता है कि कितना पावरफुल था या क्या इंटेंसिटी थी ये जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम की, ये जो सोलर फ्लेयर्स निकले हैं इनकी इंटेंसिटी वगैरह क्या थी, इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है. दे कैन अफेक्ट सेफ्टी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस क्राफ्ट की सेफ्टी को ये भी प्रॉब्लम कर सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर से काफी प्रॉब्लम हो सकती है. सो दिस इज द थिंग, ये नेचुरल फेनोमेना है, तो इसमें कुछ ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, फिनोमेना भी नेचुरल है और प्रोटेक्शन भी हमें नेचुरल मिलती है अर्थ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो अर्थ की ये जो जियोमैग्नेटिज्म है उससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है इसकी. नाउ विद दिस लेट्स मूव टू अ पीवाईक्यू. पीवाईक्यू का क्या करना है, आंखों से पीना है, दिमाग में उतार लेना है. सो दिस इज द पीवाईक्यू, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी, ये दोनों मिलकर इसको रिलीज करते हैं. इसके अंदर 10 पैरामीटर्स होते हैं, उसी 10 पैरामीटर्स को लेकर क्वेश्चन है कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर. ये पैरामीटर्स होते हैं, दो पैरामीटर्स हेल्थ के होते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन. एजुकेशन में दो होते हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस. लिविंग स्टैंडर्ड्स में बाकी के पैरामीटर्स होते हैं कि कुकिंग फ्यूल कौन सा है, क्या फायरवुड इस्तेमाल हो रहा है या क्लीन एनर्जी यूज हो रही है, जैसे कि पीएम जो उज्ज्वला योजना है उसमें सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुकिंग फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, सैनिटेशन हमारा स्वच्छ भारत अभियान इसी एम को है, ड्रिंकिंग वाटर जो है ना एक पाइप वाटर प्रोवाइड करने का मिशन है ना, मैं नाम भूल गया इंस्टेंटली, तो वो है हाउसिंग पीएम आवास योजना. इलेक्ट्रिसिटी में हम रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह सभी तरह की इलेक्ट्रिसिटी पे हम ध्यान दे रहे हैं. एसेट्स के हाउस होल्ड के पास एसेट कितने की घर है यानी उनके पास वगैरह वगैरह बाकी के एसेट्स, ये मिसलेनियस की तरह समझ लो. ठीक है, तो इस तरह के इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. क्या कहता है कि ये अलग अलग डायमेंशन है जिसपे कोई पुअर हो सकता है, जैसे कि कुकिंग फ्यूल, अगर फायरवुड को इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी जला के कोई घर में चूल्हा इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पुअर है, और जो क्लीन कुकिंग सिलेंडर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिच है, पुअर नहीं है, मतलब वो पुअर नहीं है, रिच है नहीं पता नहीं, पर पुअर नहीं है, नॉन पुअर है वो. ठीक है, तो इसी तरह के अलग अलग डायमेंशन पे इंडेक्स मेजर करता है, तो ये इंडेक्स है. अब इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं, डेप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन हेल्थ इफेक्ट ये आएगा, पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी इसके बारे में कोई डिस्कशन है न्यू पैरामीटर्स में, बजट डेफिसिट वगैरह नहीं ये भी डिस्कस नहीं है, तो आंसर क्या ए वन ओनली. दिस इज द थिंग एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन, दिस सेशन एंड्स हियर, थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट, मिलेंगे हफ्ते हफ्ते.